सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त पालना, अव्यक्त शिक्षाएं देकर हम बच्चों को फरिश्ता बना रहे हैं, जो आगे चल के हम देवता बनेंगे। तो उसके लिए जो शिक्षा दे रहे हैं बाबा, आज कह रहे हैं तपस्या ही बढ़ते बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव कराने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृष्टि को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है कि मैं बाबा के पास हूं। बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं, सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारक के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा मुबारक देते हैं। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक हैं। बाप दादा की विशेष खुशियां भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हो। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप से हर समय सवास का बोल पास विद अनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाले जीवन अनुभव करा रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। बाबा कहते हैं लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरा तारीख हो जाएगी तो मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है। संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते रहना। बाबा कहते हैं ये तो निमित्त मात्र एक दिन मनाते हैं कि नया साल है, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौज की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अव है। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। मां कहते हैं इस वर्ष क्या करेंगे? सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बढ़ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना।
सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप सेवा की तरफ आकर्षित करेगी, बाप की तरफ। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे बाप, पूछ रहे हैं। नवीनता ही सबको प्रिय लगती है, तो अपने में कौन सा नवीनता लाएंगे बाप, कह रहे हैं। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के विधि द्वारा कितनी वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई, और साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है, तो ऐसे नवीनता के कर्म किए साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। बाबा श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम बच्चों को दे दिए हैं, क्या करना है। बाबा कहते हैं चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समय हुआ है, परंतु मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। बाप कहते हैं ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संस्कार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। बाप कहते हैं समझे, नए वर्ष में क्या करेंगे, जो बीत चुका तो बीते वर्ष को समाप्ति समारोह मनाना, और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना, और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता 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 ही सफलता मेरे जीवन में। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संघ द्वारा हल्के वन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है, आत्मा का भोजन है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्प में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के वन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सह साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं, इसलिए सदा शुद्ध संकल्प में बिजी रहे, हल्के वनों और खुशी के डांस करते रहो।
तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी बनना, मतलब सहज योगी जीवन। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमा लेना है। मैं उड़ता हंसता मुस्कुराता गुनगुनाता फरिश्ता आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए अव्यक्त वाणी से अव्यक्त शक्तियां भरते हुए निरंतर याद रखना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा छत्र छाए के रूप में 24 घंटे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।